आपने कहा कि अचेतन प्रतिमाएं कैसे हमारे अंदर चेतन भाव उत्पन्न कर सकती हैं। देखिए, अचेतन वस्तु भी हमारे अंदर परिणमन कराती है, हमारे अंदर तरह तरह के भाव उत्पन्न कराती हैं। एक गड़िका है, गड़िका माने एक तरह से बाजारू स्त्री कहलाती है, वेश्या जिसको बोलते हैं, और वह सुंदर भी होती है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई, चिता पर वो रखी हुई है, और उसको देख करके जो कामी व्यसनी व्यक्ति होता है वो पछतावा करता है। क्या सोचेगा, मैं इसको भोग नहीं पाया। इसकी चिता को भी देख करके उस कामी व्यसनी व्यक्ति के अंदर ये भाव आएगा कि ये जिंदा होती तो मैं इसके साथ में रमण करता। ये किसको भाव आ रहा है, वो तो मर चुकी, अचेतन है, मिट्टी है, लेकिन उसको देख करके भी कामी व्यक्ति के अंदर भाव आता है। समझ आ रहा है, ये अपने अपने भावों का परिणाम है। वहीं पर एक कुत्ता घूम रहा होता है, वो कुत्ते को देख करके वो भाव आता है, अरे ये लोग यहां से हट जाए, ये जो इसको घेरे पड़े हैं तो मैं इसका भक्षण कर लूं। ये भाव आ रहा है किसके अंदर, कुत्ते को उससे रमने का भाव नहीं आ रहा, कुत्ते को क्या दिख रहा है, मांस दिख रहा है, वो उसको भक्षण करना चाहता है। और वहीं पर एक वीतरागी मुनि महाराज बैठे हैं जो ये सब दृश्य देख रहे हैं, और वे सोचते हैं देखो कितनी अच्छी इसके लिए पर्याय मिली थी, कितना अच्छा मनुष्य जन्म मिला था, लेकिन इसने अपने जीवन में ना कोई व्रत कर पाया ना तप कर पाया। काश इसके जीवन में कोई समझदारी का भाव आता और ये कभी व्रत तप करके अपने जीवन का समापन करती तो इसके लिए कितनी अच्छी सदगति मिलती, ये सोच रहे हैं मुनि महाराज। सुन रहे हो, रागी की दृष्टि में और वीतरागी की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो मुनि महाराज होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, और जो रागी कामी व्यक्ति होते हैं उनकी सोच अलग होती है। जैसे मणि होती है, मंत्र होते हैं, औषधि होती है, ये सब जड़ रूपी होती हैं, लेकिन ये सब हमारे रोग विष आदि का हरण कर लेते हैं। इसलिए जड़ और अचेतन वस्तु का भी अपना महत्व होता है, जिसका प्रभाव हमारे तन मन और चेतन सब पर पड़ता है।